हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर नॉलेज सीरीज के पार्ट 28 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 27 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसका पार्ट 28, जो रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड। दोस्तों, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको हम आज पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, बेसिक्स भी हैं इसमें और कुछ हाईटेक भी हैं जो कि आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो कि यूज़ होते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने एग्री मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर वेदर पैरामीटर से और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर वेदर पैरामीटर है, यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। विंड स्पीड की बात करेंगे तो एनेमोमीटर से। और ग्लोबल सोलर रेडिएशन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ग्लोबली बात हो रही है, तो जो ग्लोबली सोलर रेडिएशन को जो मेजर करता है वो है आपका पायरानोमीटर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। उसके बाद बात करेंगे वाटर टेबल। तो दोस्तों, वाटर टेबल मेजरमेंट होता है पीजोमीटर से। पीजोमीटर होता है, उससे वाटर टेबल मेजर आप कर सकते हैं इजीली। ड्यू की बात करेंगे, जो ओस होती है वो आपकी होती है डेरोसोमीटर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों यहाँ से, कि ड्यू को कैसे मेजर किया जाता है, तो आप बताओगे डेरोसोमीटर। आगे बात करेंगे सॉयल मॉइस्चर को कैसे मेजर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सॉयल मॉइस्चर टेंशन है, ठीक है, तो ये आपका होता है टेंशियोमीटर, ठीक है। सॉयल मॉइस्चर टेंशन को टेंशियोमीटर से हम मेजर करते हैं। आगे बात करेंगे इवेपोरेशन की, तो इवेपोरीमीटर होता है जिससे इवेपोरेशन यूज मेजर करते हैं। ट्रांसपीरेशन की बात करेंगे तो दोस्तों पोटोमीटर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में आ सकता है कि पोटोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है या फिर ट्रांसपीरेशन को कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पोटोमीटर। आगे बात करेंगे फील्ड इवेपोट्रांसपीरेशन या लीचिंग की, तो लाइसीमीटर होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो लाइसीमीटर यूज़ करते हैं हम इवेपोट्रांसपीरेशन को मेज़र करने के लिए या फिर लीचिंग के लिए। वर्षा को मेज़र करने के लिए दोस्तों रेन गेज आता है, दो टाइप के होते हैं, एक आपका रिकॉर्डिंग और एक नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रेन मेज़र होती है रेन गेज से। आगे बढ़ेंगे ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो एक होता है साइक्रोमीटर, या बोलते हैं उसको हाइग्रोमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पर हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो कि डायरेक्टली आती है, उसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए पाइरिलियोमीटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, पाइरिलियोमीटर। आगे बात करेंगे डेंसिटी ऑफ मिल्क या मिल्क प्योरिटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं, इससे मिल्क की प्योरिटी और मिल्क की डेंसिटी इजीली मेजर हो जाती है। एग्रीकल्चर में दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है और आगे भी आ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, तो गैम्बेल स्टॉक होता है दोस्तों, गैम्बेल स्टॉक, जिससे हम सनशाइन की ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर, जैसे लीफ है, लीफ का एरिया आपको निकालना है, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर से हम किसी भी इरेगुलर शेप को मेजर कर सकते हैं, उसका एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर है दोस्तों पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे एमसीक्यू पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ड्यू, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ओस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गेस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
डेरोसोमीटर। तो डेरोसोमीटर यूज करते हैं ओस को मापने के लिए या फिर मेजरमेंट ऑफ ड्यू के लिए। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्लांट ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पौधे की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेस्कोग्राफ। दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं या बोल सकते हो पौधे की वृद्धि को मापते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, खासकर एग्रीकल्चर के रिलेटेड। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर दी। लाइसीमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों इवेपोट्रांसपिरेशन या लीचिंग। ठीक है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए लाइसीमीटर का यूज करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 400 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मिल्क डेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूध के घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर को हम मिल्क डेंसिटी या मिल्क प्योरिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एग्रीकल्चर का फेमस इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको गैस करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं, मैनोमीटर से दोस्तों प्रेशर को मापते हैं, पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताई दिया, इसके बाद हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है विच सिक्वेंस इज करेक्ट। तो दोस्तों पैरामीटर और इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे सिक्वेंस बनाया गया, तो कौन सा क्रम सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर ए बी सी करके दिए हुए हैं, तीनों का सिक्वेंस है रेन रेन गेज, वाटर टेबल, पीजोमीटर, विंड स्पीड, पोटोमीटर। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे बताना है ए सही है या बी सही है या सी सही है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी इज राइट। तो रेन रेन गेज मापता है, वाटर टेबल को पीजोमीटर मापता है, लेकिन विंड स्पीड को पोटोमीटर नहीं मापता है। पोटोमीटर दोस्तों ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है। लेकिन अब विंड स्पीड को मेजर कौन करता है, तो इसका नाम है दोस्तों एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर, तो ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी सही है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं और आज का दोस्तों प्यारा सा स्पेशल क्वेश्चन जिसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का क्वेश्चन है इको साउंडर इज यूज टू मेजर दी। इको साउंडर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके सामने पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करिए। ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर डेप्थ, टिलेज डेप्थ, या इनमें से कोई नहीं। आगे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का, वो था दोस्तों द वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो कालफिश। तो दोस्तों इसका आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम के बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज गैदर्ड वर्ल्ड रेपुटेटेड बाई मेकिंग द फर्स्ट IBF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बफेलो इन दी वर्ल्ड। दोस्तों ये NDRI के नाम है, उन्होंने प्रथम जो कि IBF की तरह से बफेलो काल्फ को बनाया था, पैदा किया था। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रथम। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर गेस करना है। पिछले क्वेश्चन का सभी ने सही आंसर दिया है, सो ग्रेट एफर्ट स्टूडेंट्स। और आज के क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और दोस्तों आपकी थोड़ी सी हेल्प से बाकी और लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मिल सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार शेयर करने में आपका
योगदान होना चाहिए, एक बार शेयर कर देंगे तो सभी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए इस वीडियो को। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट को ये इम्पोर्टेंट वीडियो मिल सके। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।